लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हतक इज्जत के कानून के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने नए कानून के 3 सेक्शंस पर अमल हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। अक्वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। 14 ममालिक की हिमायत, रूस की गैर हाजिरी, हमास का इब्तदाई बयान में करारदाद की हिमायत का इशारा। अमरीकी वजीर खारजा मशरक वस्ता में कयाम आमने के लिए सरगर्म। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में गजा तनाजे का फैलाव रोकने पर जोर। एंटोनी ब्लिंकन की मिस्र के सदर से भी मुलाकात। जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव डालने पर जोर। सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद की मंजूरी के बावजूद इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी। बच्चों समेत 8 अफराद दर्जा शहादत पर फायज हो गए। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 40 तक पहुंच गई। रवां माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। हुकूमती इक्तिसादी तरक्की, सनअती नमू, महंगाई में कमी और बिजली के पैदावारी अहदाफ हासिल ना कर सकी। फीसद के मुकर्रा हदफ के बजाय तवक्कुआत के बरक्स 26% रही। वफाकी बजट में कल आवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारियां मुकम्मल। पेट्रोलियम मसनूआत पर पहली बार सेल्स टैक्स लगाने और लेवी में भी 20 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। आलमी बैंक की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर्स फंडिंग की मंजूरी दे दी। इजाफी फंडिंग दासू डैम की तामीर में इस्तेमाल होगी। इलाकाई तजारत में पाकिस्तान ने तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। NLC काजिकिस्तान से दुबई तक बजरिया सड़क सामान की तरसील में कामयाब। 2 ट्रकों में लदा 21 टन सामान मंजिल मकसूद तक पहुँचाया गया। स्पीकर अयाज सादिक की इस्लामाबाद के अस्पताल आमद। राजा परवेज अशरफ की आयादत की पीपी रहनुमा की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वर्ल्ड कप में अगर मगर की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आज कनाडा को हराना होगा, वरना पाकिस्तान का चांस खत्म। वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए आयरलैंड से जीत भी लाजमी दरकार। अमरीका या भारत में से किसी एक टीम की 2 मैचेस में शिकस्त भी जरूरी। और जिला बाजोड़ में तालीम सबके लिए मुहिम के तहत इकदाम जारी। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने तालिबात को गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान का दौरा कराया। तालिबात ने गर्ल्स कैडेट की ड्रिल का मुशाहिदा किया।